ये चूहे कोई आम चूहे नहीं है, बल्कि इन चूहों को लोग बड़ी ही भक्ति भाव से पूजते हैं। बीकानेर से 10 किलोमीटर दूर करनी माता के मंदिर में हजारों की तादाद में पाए जाने वाले इन चूहों को पूजने की परंपरा 600 साल पुरानी है। करनी माता हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक देवी के रूप में पूजी जाती हैं और उनके बारे में मान्यता है कि यहाँ जो भी मांगो वो पूरा होता है। करनी माता का बहुत ही ये फेमस मंदिर है और हम लोगों को यहाँ पे आना था, जो हमारी इतनी करनी माता की देन है, तरक्की है, जितना भी हम लोगों का पैसा है सब करनी माता की देन है और ये राजस्थान का सबसे बड़ा मंदिर है। यहाँ की एक खासियत यह भी है कि चूहे कभी भी मंदिर के परिसर से बाहर नहीं जाते। इन चूहों को काबे के नाम से पुकारा जाता है क्योंकि मान्यता के मुताबिक करनी माता के बेटे की मौत के बाद उनके बेटे ने चूहे के रूप में अवतार लिया था, इसलिए इस मंदिर में चूहे पूजे जाते हैं। What we have read in our book and what my wife has told me from the book, so that it the temple dates from the 15th century, and the rats are considered holy because there was a child who died then and what was the story again? She was reincarnated as a rat. Rats, being animals that usually are considered as not so attractive, are in fact considered as holy here, which is very extraordinary. करनी माता के बारे में एक दिलचस्प मान्यता यह भी है कि वे भविष्य में पर्यावरण पर आने वाले खतरों को पहले से भांप गई थी, इसलिए 10,000 बीघे में फैले इस इलाके में ना तो पेड़ पौधे कटते हैं ना ही आबादी का जोर बढ़ा है और सैकड़ों साल से यह व्यवस्था आज भी जारी है। आज से 600 साल पहले माताजी महाराज ने किया था, 10,000 बीघे में चरागाह भूमि और पेड़ लगाए थे जो अभी तक मौजूद है। वही जगह है जहाँ कोई उस पेड़ को काट नहीं सकता, पशु चरेंगे वो या उसका सदुपयोग हो, उसको कोई काटता नहीं, काटना तो पाप का भागी होता है। बीकानेर आने वाले पर्यटकों के लिए करनी माता का मंदिर अब एक नया आकर्षक स्थान बनता जा रहा है। करनी माता के मंदिर की एक और खास बात यह है कि यहाँ अगर श्रद्धालु को सफेद रंग का चूहा दिखाई पड़ जाए तो आने वाला समय उनके लिए अच्छा माना जाता है। इसी उम्मीद में हमारी कैमरा टीम भी चूहे की झलक पाने के लिए वहां जमकर बैठ गई। बीकानेर से गुड मॉर्निंग मेट्रो के लिए राकेश शर्मा।